जय माता की फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को, मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। आप सबकी दिवाली मंगलमय रहे, खुशमय रहे और संगीत की आप सेवा करते रहें, ये ताउम्र आप संगीत की सेवा करते रहें, यही कामना के साथ एक बार फिर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक राग प्ले कर रहा हूं, वो एक गाने का फील है, और जब उस राग प्ले करूंगा मैं, तो आपको ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर गाना है, वो गाना याद आ जाएगा। तो हकीकत में तो उस गाने के अंदर दो राग मिक्स हैं, मिक्स किए गए हैं, प्रॉपर कोई एक राग नहीं है उसका, लेकिन फिर भी एक राग ऐसा है जो शायद ही किसी ने उसके बारे में सुना हो या जाना हो। मुझे नहीं लगता शायद किसी को उसका नाम भी पता होगा। तो पहले मैं उस राग को प्ले करता हूँ। उस राग के अंदर, उस गाने के अंदर, अगर गाने की बात करेंगे तो उस गाने में दो राग मिक्स हैं। फिर गाने के बारे में भी बताऊंगा आपको, और दोनों राग जो मिक्स हैं उसके अंदर भी बताऊंगा, लेकिन जो उसका प्रॉपर राग है, जो उसके अंदर प्ले किया गया है, सबसे पहले वो राग प्ले करता हूँ, फिर उस राग के बारे में बताऊंगा। हमेशा मैं क्या करता हूँ, राग की नोटेशन वगैरह बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, उसके बाद राग प्ले करता हूँ। लेकिन आज पहली बार राग पहले प्ले कर रहा हूँ, फिर उसकी नोटेशन वगैरह बताऊंगा, ताकि वो, इसलिए जो भी मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, उनको सुनने से गाना फील हो जाए कि हाँ, ये जो राग प्ले हो रहा है इसके अंदर ये गाना है, पर्टिकुलर एक ये गाना है, फिर बहुत ही फेमस गाना है वो। तो आइए चलते हैं, उस राग को प्ले करते हैं। दूसरे काले से प्ले कर रहे हैं। कई बार ये शिकायत रहती है मेरे फ्रेंड्स को कि भैया हारमोनियम का साउंड बहुत कम आता है, तो मेरी आपको सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा हेडफोन का यूज़ किया करें। हेडफोन का यूज़ करेंगे तो आपको साउंड प्रॉपर अच्छा मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। Thank you.
सुना आपने गाना? आपने सुना गाना? भी मैंने अभी प्ले किया उसके अंदर, याद पिया की आए ये दुख सहा न जाए हायरा, बड़ा ही फेमस ये गाना। फिल्म में तो बहुत बाद में आया, फिल्म आपने देखी होगी बैंडेड क्वीन, उस फिल्म के अंदर तो बहुत बाद में आया, उससे बहुत पहले ये गाना, करीब 70 साल पुराना गाना है। बड़े गुलाम अली खान साहब ने ये गाया था उन्होंने, और फेमस जो किया गया हुआ ये गाना, वो राशिद खान साहब जी ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया। जब उन्होंने इसको गाया तो एक अलग ही निखार इस गाने में निकल कर आया। और एक और फीमेल सिंगर हैं, बहुत ही अच्छी गायिका हैं, कौशिकी चतुर्वेदी जी, उन्होंने भी जब इस गाने को गाया तो एक अलग और निखार निकल कर आया। लेकिन बात क्या है कि इस गाने के अंदर, अगर गाने की बात करते हैं, तो गाने के अंदर दो तीन राग मिक्स हैं, कोई प्रॉपर एक राग नहीं है इसका। लेकिन जो इस गाने की पकड़ अगर हम कहते हैं, तो वो राग है, मैं उसका नाम आपको बता रहा हूँ, शायद कोई मेरी बात पे विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि जिस राग का मैं नाम बता रहा हूँ, वो राग सुनने में भी नहीं आता, कहीं पढ़ाने में भी नहीं आता, और कोई बात भी नहीं करता। राग कल्पना, जी हाँ, राग कल्पना के बारे में आप कहीं पे नेट वगैरह पे सर्च भी करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा नाट्य शास्त्र के अंदर, जो संगीत का शास्त्र है नाट्य शास्त्र, उसके अंदर मिलेगा राग कल्पना। राग कल्पना के ऊपर ये गाना बनाया गया है। लेकिन जब इसकी गायकी हम करते हैं, प्लेइंग करते हैं, तो इसके अंदर राग हेमंत की झलक आती है इसके अंदर। और एक और राग है राग भिन्ना। ये तीन रागों को मिला के ये एक गाना, इसकी खूबसूरती बनती है। देखिए, जो बड़े गुलाम अली खान साहब ने जो गाया, वो राग कल्पना के अंदर गाया, ठीक है। राशिद खान साहब जी ने गाया तो उसमें राग हेमंत की झलक आने लगी जब उन्होंने गाया, और राग भिन्ना की भी उसमें झलक आने लगी। और जब कौशिकी जी ने गाया तो उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो उसके अंदर झलक आई, वो राग हेमंत और राग कल्पना की झलक आई उस उनके गाने गायकी में। तो याद पिया किया है ये जो गाना है, इसका प्रॉपर अगर एक राग हम मानते तो उस राग का नाम कल्पना है, राग कल्पना। और इसका चलन, अब मैं इसके नोटेशन और इसके चलन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इसका चलन बड़ा ही टेढ़ा है, अगर हम इसे हल्का सा भी इधर उधर कर देंगे ना, तो ये कल्याण थाट में चला जाता है। कल्याण थाट के अंदर चला जाता है। इसका चलन है ये स ग म तीव्र, और स ग म प प म ग ग म ध नी स, ये इसका आरोह है। और फिर अवरोह नी नी ध प ध म ग स नी ध ध नी ग म तीव्र प, ये इसका उसका राग कल्पना का चलन है। एक और मैं हारमोनियम पे उसका चलन प्ले करके दिखा देता हूँ बड़े आराम से। दूसरा काला है कल्पना का चलन होगा, आरोह अवरोह आपने सुना।
तो इसके चलन से ही क्या नाम है, हमें पता चल जाता है कि राग गाना जो है, जो इसके अंदर जो गाना आ रहा है वो राग, वो इसके अंदर जो इस राग के अंदर जो गाना आ रहा है राग कल्पना के अंदर, वो याद पिया की आ रहा है। ऊपर जाके इसमें हेमंत का भी टच आ जाता है और राग भिन्ना का भी टच आ जाता है। तो ये हम अपनी गायकी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी खूबसूरती गायकी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने गाने में क्या क्या नोट यूज़ करने हैं। लेकिन प्रॉपर अगर हम राग गाना कहते हैं, राग कहते हैं याद पिया की आएगा, तो वो राग कल्पना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी राग कल्पना के बारे में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके पास शेयर करें, ताकि जो ये राग है राग कल्पना, इसके बारे में 99% मैं श्योर हूँ, पक्का, मुझे पक्का यकीन है कि नहीं पता होगा राग कल्पना के बारे में हर किसी को। तो सभी को इसके बारे में पता चले, सभी इसके बारे में सर्च करें, रिसर्च करें, पढ़ें, और ये राग पॉपुलर हो ज़्यादा से ज़्यादा, राग कल्पना। इसी तमन्ना के साथ मैंने आज ये वीडियो बनाई है अपनी, कि सब लोग राग कल्पना के बारे में जानें। राग हेमंत के बारे में और राग भिन्ना के बारे में लगभग जानते हैं सभी लोग, ये पॉपुलर राग है, लेकिन राग कल्पना के बारे में कोई नहीं जानता है। तो आशा करता हूँ आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपना सुझाव इस वीडियो पर जरूर दें, क्योंकि इस गाने के ऊपर याद पिया किया है, इसके ऊपर सबके अपने अपने मत हैं, अपना अपना विचार है। प्रॉपर राग ना होने के कारण सबके विचार अलग अलग हैं, तो हो सकता है कोई मेरे मेरे इस बात से इत्तेफाक ना रखता हो, लेकिन इत्तेफाक आपको करना पड़ेगा कब, जब आप राग कल्पना के बारे में जान लेंगे, जब आप राग कल्पना के बारे में पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, उसको प्ले करेंगे, तब आपको मेरी बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा। तो आइए एक बार फिर से मैं राग कल्पना प्ले करता हूँ। आइए, आरोह अवरोह मैंने आपको बता ही दिया है, चलिए शुरू करते हैं। Thank you.
आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय श्री श्याम, और एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, आबाद रहिए।